तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज बनाने वाले हैं मछली की रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन ये मछली की रेसिपी हम मछली से नहीं, हम एक लौकी से बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पता लगेगा कि ये मैंने मछली की रेसिपी कैसे बनाई है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, बस एक छोटी सी लौकी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लौकी को ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से इसका छिलका उतार कर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसको काट लेंगे, अच्छे से इसके पीसेस काट लेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस मछली की रेसिपी को, और इसका खाने में टेस्ट बिल्कुल वैसा ही लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल ताज़ी लौकी ली है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, मैंने इसको काट लिया है बढ़िया तरीके से। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने एक छोटी सी लौकी से कितनी ढेर सारी मछली बनाई, यानी कि मैंने एक लौकी से पूरी 2 किलो मछली की रेसिपी बनाई है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स, वीडियो का पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना कि आपको जो पता नहीं लगेगा कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो ये देखिए, लौकी को मैंने अच्छे से छील कर उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, एंड उसके मैंने डंठल भी निकाल लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे अच्छे से इसको कद्दूकस करना है। तो आप बिल्कुल सभी बातों का ध्यान रखें, तो यहाँ पर आपको लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेना। तो ये देखिए, सारी लौकी है वो अच्छे से कद्दूकस हो गई है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी ग्रेटर हो तो वो भी चलेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन और अच्छी से अच्छी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, जो लौकी है वो सारी अच्छे से कद्दूकस हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका जो पानी है वो हमें इसको अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए, आप हाथों की मदद से इसका पानी अच्छे से निकाल लें। ये देखिए, सारी लौकी का पानी अच्छे से निकाल कर, ये देखिए, हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, जितना आपका एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है लौकी से उतना ही निकालिए। तो ये देखिए, ज़्यादा तेज़ी से दबाने की जरूरत नहीं है, जितना एक्स्ट्रा पानी है उसमें बस उसको एक बार दबाने पे निकल जाए। तो ये देखिए, सारा पानी है वो अच्छे से निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा जो भी लौकी का सारा पानी था वो अच्छे से निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, आप इस पानी से आटे को गूंदने का काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ। तो ये देखिए, थोड़े मैसी से मेरे हैंड्स हो गए थे, तो इसलिए मैंने उनको वॉश कर लिया है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा लौकी का पूरा पानी है वो निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, अब ले लें आप एक बड़ा सा बर्तन, एंड उसमें डालेंगे हम 1 से 2 कटोरी बेसन। तो ये देखिए, आप किसी भी माप से नाप सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको बड़े से बाउल में डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग, जो कि पाचक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी एंड चिली पाउडर एंड धनिया पाउडर एंड सॉल्ट, इसको आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर को अच्छे से कूट लिया है, एंड गार्लिक को भी मैंने अच्छे से कूट कर डाल दिया। एंड अब हम इसमें डालेंगे 2 स्मॉल स्पून ऑयल। तो अब हमें इसको अच्छे से रगड़ना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि लौकी से जो इतनी टेस्टी सी मछली की रेसिपी है वो कैसे बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर बेसन को अच्छे से हाथों से रगड़ लेना है, ताकि जो भी हमने सारे मसाले और ऑयल डाला है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, और अब हम इसमें लौकी को ऐड करेंगे, जो इसका हमने पानी निकाल कर रख लिया था साइड में। तो अब लौकी को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इस लौकी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता है लौकी एक्स्ट्रा पानी छोड़ती है। तो ये देखिए, उसी लौकी में हमें क्या करना है, इस आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। तो फ्रेंड्स, इस आटे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, लूज ही रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस आटे को हथेली पे लेंगे तो क्या होगा, वो चिपकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हथेली पे अपने ऑयल लगा लेना है, सरसों का ऑयल। तो ये देखिए, मैंने इसको उठाया तो ये चिपचिपा सा है। तो अब इसी ऑयल की मदद से हम इसको अच्छे से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमें इसको अच्छे से एक लोई का
सेब जैसा इसको ले लेना है एंड इसको हम चपटा करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको चपटा कर दिया, जैसे कि मछली का सेप होता है ना पीसेस का, उस तरह से हमें इसको करना है। तो ये देखिए, और मैंने ऑयल को हथेली में एंड फिंगर में लगाया एंड इसमें होल कर दिया है। तो ये देखिए लग रहा ना है बिल्कुल मछली का पीस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सारे पीसेस बना लेना है। मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप मछली को खाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए सारे पीसेस बन गए। चलिए हम इनको अच्छे से फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम बना लेंगे इसका पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, 3 टमाटर, 2 से 3 मैंने प्याज को अच्छे से कट लिया है, एंड जिंजर एंड गार्लिक एंड थोड़ा सा मैंने जायफल एंड हरी इलायची को लिया है। तो इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है, अच्छे से पेस्ट बना लेना है। चलिए तो हम इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बारी है हमारी इनको अच्छे से फ्राई करने की। तो ये देखिए जो पीसेस हमने रेडी किए थे, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो ये देखिए हम हाथों से चेक कर लेंगे कि जो कि ऑयल है वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। तो अब सारे पीसेस को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए सारे पीसेस हैं, हम उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, वरना जो कि अगर हमने फ्लेम को बढ़ा दिया तो जो कि हमारे पीसेस हैं वो ऊपर से कुक होंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी रेसिपी है और वीडियो है वो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए जो सारे पीसेस हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। पकाया के पीसेस को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी, और बच्चे तो लौकी खाने के लिए बिल्कुल मना ही नहीं करेंगे। अगर बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और वो कभी मना नहीं करेंगे खाने से। तो ये देखिए बकाया के पीसेस भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस फ्राई होने के बाद उसी पैन में मैंने ऑयल, एस्टा ऑयल निकाल कर उसी में मैंने डाल दिया है जीरा, हरी इलायची एंड दालचीनी। तो इन सभी को हम अच्छे से भुन जाने देंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर एंड हल्दी पाउडर एंड चिली पाउडर। और ये मैंने डाला है यहाँ पर, थोड़ा सा तीखा किया है, अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप सभी मसाले को अपने अकॉर्डिंग ही डालें, जितना आपको टेस्ट पसंद है मसालों का, स्पाइसी या कि नॉर्मल। तो ये देखिए जो पेस्ट हमने बनाया था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए इन सभी चीज़ों को, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने डाली है कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसको ज़रूर डालें। एंड फ्रेंड्स ये देखिए मसाले ने कितना अच्छा ऑयल छोड़ दिया है, और आपको दिख रहा होगा जो मसाला है हमारा वो दरदरा हो चुका है। इससे क्या होता है, मछली में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आप इस मछली की रेसिपी बनाएंगे तो आप, तो बता रही हूँ मैं, आप इसको खाते ही रह जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए जो प्रॉपर मसाला है हमारा पूरी तरह से पक चुका है, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पका लिया, एंड यहाँ पर मैंने डाला है सॉल्ट। तो आपको अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें नमक डालना है। तो ये देखिए जो मसाला है वो हमारा भुनकर तैयार हो चुका है पूरी तरह से, एंड अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 से 2 गिलास पानी। तो ये देखिए 1 से 2 गिलास पानी डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो एंड मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से होने देंगे बॉईल। तो ये देखिए जो कि पानी है वो हमारा मसाले वाला वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, एंड अब इस बारी है इसमें पीसेस डालने की। तो मैंने मछली के पीसेस भी इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस कढ़ाई में डालने के बाद इसको करना है हमें कुक। तो फ्रेंड्स आप रेडी हैं मछली की रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये देखिए वो 5 मिनट भी हमारे अच्छे से बॉईल हो चुका है मछली। तो ये देखिए
और हरा धनिया डालकर इसको सर्व कीजिए। तो ये देखिए इतनी टेस्टी सी मछली बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी जाइए और इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखिए लग रही है, कोई कह सकता है कि इसको हमने लौकी से बनाया है, नहीं ना? तो जल्दी जाइए और अपनी किचन में इसको बनाइए और सभी को खिलाइए। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी ये लौकी की मछली। अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी और भी रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो ये देखिए जो मछली है वो हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए।